अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं क्विक स्पेस और ये वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज चल रही है, जिसका हम लैंग्वेज नंबर 2 CSS यानी के डिस्कस कर रहे हैं। आज उनका लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके टॉपिक्स नोट करके रखे हुए हैं। ये देखिए हेडर सेक्शन, ये आज मैंने टॉपिक्स नोट करके रखे हुए, एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ। आपने उम्मीद है कि आपने ब्रैकेट्स डाउनलोड कर लिया होगा। अच्छा, तो जिस तरह मैंने कल आपको CSS के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि CSS की टाइप्स इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, तो आज इनके ऊपर काम करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, मैं एक्सटर्नल से शुरू करूँगा तो फिर इंशाल्लाह आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हेडर क्या होता है और फुटर, और हेडर सेक्शन डिव और फुटर, ये भी हमारी एक वेबसाइट का। अच्छा, ये चार होते हैं सिलेक्टर, जिन्हें हम कहते हैं सिलेक्टर्स। तो ये चार हम HTML के सिलेक्टर्स होते हैं, तो जिनके बारे में हम काम करके हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि ये हेडर, फुटर, सेक्शन, डिव क्या होता है। वो बस इंप्लीमेंट उन्हें करना आता है, वो इंप्लीमेंट करके वेबसाइट तैयार कर लेती है। लेकिन उनसे पूछा जाए तो उन्हें नहीं पता होता, वो हमें क्या देते हैं, मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो हेडर क्या होता है? हेडर हमारी वेबसाइट का लिंक, जो मेन्यू बार होता है, लोगो आ जाता है, जिसमें होम, अबाउट, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, और उसके अंदर हमारे पास लिंक्स वगैरह आ जाते हैं, उसे हम हेडर कहते हैं। और सेक्शन क्या होता है? सेक्शन हमारे पूरे वेब पेज को संभाल रहा होता है। जो भी वेब पेज है ना, हम उससे पहले सेक्शन लगाते हैं, तो वो हमारा पूरा वेब पेज अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। डिव क्या होती है? डिव भी सेक्शन के टाइप की होती है, लेकिन डिव एक हिस्सा होता है वेब पेज का। आप कोई भी काम करते हैं, आप सबसे पहले डिव लगाते हैं। आपने कोई मेन्यू बार बनाना है, आपने कोई लोगो बनाना है, तो आपने सबसे पहले डिव लगानी है, उसके अंदर इमेज का टैग और उसके अंदर काम करना है। ये हमारे वेब पेज के अंदर हिस्से होते हैं, जिन्हें हम डिव कहते हैं। फुटर की बात की जाए, सिंपली फुटर ये होता है, फुट का मतलब सबसे एंड वाला हिस्सा, तो एंड वाला पार्ट है फुटर, जिसे हम कहते हैं। यानी एंड में हमारे पास आ जाते हैं डिजाइंड बाय, क्योंकि उससे ऊपर ऊपर जितने भी आप फॉर्म लगा देते हैं या फिर और भी कुछ लगा देते हैं, वो हमारे पास वेब पेज के फुटर में आ जाता है। तो ये चार सिलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात की जाए प्रॉपर्टीज़ की CSS की, वो अब हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो होती है? बैकग्राउंड इमेज आज हमने डिस्कस करने के, बैकग्राउंड इमेज के अंदर जो प्रॉपर्टीज़, उनकी टाइप्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं, मैंने एक वेब HTML की एक फाइल बनाई हुई है, मैं इसे लाइव सर्वर पर देख रहा हूँ। लाइव सर्वर काम नहीं कर रहा, चलो मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और अपनी जो फाइल है उसके अंदर पहले मैं दफ़ा देख लूँ नहीं काम कर रहा, तो मैं अपनी जो फाइल है उसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी ये रही बीजी, ये मैंने इसकी फाइल बनाई है, ये देखिए। अच्छा, तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स और ये हमारे पास इसकी फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया था पहले। उससे पहले हम सेक्शन हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमने अभी इतना प्रोजेक्ट बना नहीं रहे कोई वेबसाइट, तो हम डिव सेक्शन कर लेंगे, लेकिन हम डिव से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, डिव ओपन और डिव क्लोज। अच्छा, तो डिव के अंदर हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं। आपने कोई इस तरह नहीं दे देना 1 2 3 ABC जिस तरह मैंने दी थी कल, वो तो आपको समझाने के लिए। जो हम अपना टॉपिक है ना अंदर, जिसके मुतालिक हमने डिव लगाई है, यानी टॉपिक छोड़ने, जिसके वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप ऊपर हेडर का बना, लिंक्स का बना लेंगे, तो आप क्लास देंगे लिंक की, नैव की, मेन्यू की, ये क्लास देंगे। आपने इस तरह नहीं दे देने ABC, उसके रिकमेंड नेम देना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं अब बैकग्राउंड इमेज के हवाले से टॉपिक कर रहा हूँ, लेक्चर उसके हवाले से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इमेज। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैं एक इमेज लगानी, बैकग्राउंड इमेज, जो हमारा वेब पेज है ना उसके अंदर जो पीछे लगती है बैकग्राउंड इमेज, वो हमने आज यहाँ पे लगानी है। और जो उसके ऊपर हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट या फिर उससे ऊपर जो भी आ जाता है एक्स्ट्रा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग लगा लेता हूँ, इमेज SRC। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी इमेज पड़ी होनी, ये रही north.jpg, मैंने इसे लगा ली। इसको मैं करता हूँ सेव, लेकिन आप देखिएगा ये मेरी इमेज लगी है ओपन में, बैकग्राउंड नहीं लगी, ये ओपन में लगी है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। ये देखिए ये मेरे पास ओपन में इमेज लगी है। ठीक है, ये मेरे पास इमेज ओपन में लगी है, मैंने इसे लगानी है बैकग्राउंड में।
तो बैकग्राउंड में लगाने के लिए मैं इससे पहले यहाँ से कोड रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पे इनलाइन काम भी कर सकते हैं, इंटरनल लेकिन मैं एक्सटर्नल एक फाइल अलग बना के करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझे। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर bg.css के नाम की फाइल बना ली और मैंने इसको लिंक करना है अपनी HTML फाइल से। तो लिंक करने के लिए मैं लिंक फाइल href और यहाँ पे लिखूंगा bg.css hr के वर्ड टाइप css। ठीक है, ये मेरी फाइल लिंक हो चुकी है। जो हमने क्लास का नेम दिया था अब इसे हमने कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम किस तरह कॉल करते हैं, जो हमारी क्लास का नेम है इस तरह ये है इमेज है, तो मैं यहाँ पर डॉट में लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्लास अब उसकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो CSS में हमारे पास दो होते हैं सिलेक्टर्स, आईडी और क्लास होते हैं। आईडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश से, शिफ्ट और थ्री हैश से, और इसको डिप को डॉट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इमेज लगा दी है, इमेज सॉरी यहाँ पर मैं लगा दूंगा जी बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड इमेज लगती कैसे, URL के बाद यहाँ पे अगेन north.jpg ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि इसका साइज छोटा है। हाइट के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300px। ये देखिए मेरे पास शो हो रही है, मैं इसको अगेन 800px पे कर, तो हम थोड़ी शो हो रही है ज्यादा, तो मैं ऑटो करके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऑटो से कुछ नहीं हुआ। 800px अच्छा, ये मेरे पास इमेज शो हो रही है 800px पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे और बढ़ाना चाहूँ, मैंने 2800 करके देख, देखिएगा इमेज शो हो गया शो, लेकिन ये देखिए कितनी बार शो हो रही है, दो और तीसरी बार शुरू हो गया, कितनी दफा इमेज शो हो रही है। ठीक है, तो ना अब इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, कुछ टाइप्स लगती हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी लगती हैं। मैंने तो यहाँ पे 2800 कर दिया, लेकिन मेरे पास तीन इमेजेस शो हो रही हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज लगाने का वक्त आ चुका है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के बाद बैकग्राउंड ये हमारे पास इमेज रिपीट हो रही है जिसे हम कहते हैं रिपीट, तो बैकग्राउंड रिपीट लगाएंगे रिपीट। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कुछ तीन चार तरह की आ गई है, लेकिन मोस्ट यूजली नो रिपीट रिपीट होती है और रिपीट एक्स वाई ये यूज होती है। जो हमारे पास इमेज हो रही होती है रिपीट, उसे हम नो रिपीट लगा के उसे इमेज तो हम कर सकते हैं कि वो एक ही बार शो हो, लेकिन जो इमेज हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास दो तरफ क्लाइंट कहते थे आप दो बार इमेज लगाएं, इमेज दो तीन दफा लगाएं, तो आप रिपीट करके आप ये ऐसा नहीं कि आप बार बार बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो कि बार बार बैकग्राउंड वो कोड में इजाफा होगा और आपको भी भूल जाएगा, आपने सीधा रिपीट का एक टाइप यूज करनी है तो हमारे पास इमेज लग जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नो रिपीट लगाया, तो ये देखिए मेरी इमेज 2800 से अबव है, लेकिन हमारे पास जिस तरह पहले शो हो रही थी ना नो रिपीट, इस तरह हमने नो रिपीट लगा दिया। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ 1000। एक मिनट, ये देखिए आप, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था। अच्छा, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज शो हो रही है। ठीक है, मैं अब एक और अंदर प्रॉपर्टी यूज होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन। जो हमारे पास इमेज होती है, इमेज हमारे पास बहुत ज्यादा जा रही होती है, कोई शायद इसकी इमेज में देखी को नहीं, ये शायद बाहर भी जा रही हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बाहर जा रही क्योंकि हमारी इमेज छोटी है, तो इमेज थोड़ी सी बार भी जा रही होती है ज्यादा। अब आपने बैकग्राउंड पोजीशन क्या काम करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन ये काम करता है कि आप जो इमेज का जो सा पार्ट लाना चाहते होते हैं आप वो बैकग्राउंड पोजीशन से ला सकते हैं। टॉप लाना चाहते हैं, बॉटम लाना चाहते हैं, सेंटर लाना चाहते हैं, जिस तरह मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, शायद आपको समझ आ जाए। ये देखें 600, अब नीचे वाला बॉटम वाला जो हमारे पास जो है ना पार्ट, 5 करके देखता हूँ। अच्छा, बॉटम वाला जो पार्ट है ना, ये देखिए हमारे पास बॉटम वाला जो पार्ट है ये हमारे पास वो हो गया, मैंने साइज के मुताबिक उसे गैप कर दिया। ठीक है, थोड़े इसकी इमेज काट चुकी है हाइट के मुताबिक, हम चाहते हैं माम ना इसकी इमेज का बॉटम वाला ना पार्ट हमारा शो हो, टॉप वाला ना बॉटम वाला, तो लाने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन हमारे पास काम ये करता है। बैकग्राउंड पोजीशन में लगा देते हैं जी बॉटम, अब देखिएगा
ये देखिए बॉटम वाला हिस्सा शो हो रहा है। इस तरह आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी लेफ्ट। कुछ इमेजेस होती हैं जो हमारे पास थोड़ी आ रही होती हैं हाइट में ज्यादा या विड्थ में ज्यादा आ रही होती है, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लेफ्ट यूज किया, थोड़ा ये लेफ्ट के तरफ से आगे लेकिन बॉटम से हमारे पास छुप गया। ठीक है, तो ये हमारे पास काम करती है बैकग्राउंड पोजीशन। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज का काम करती है ऑटो बाय डिफॉल्ट। जो हमारी पिक्चर है वो देखिए आप ऑटो में करके देखता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट हमारी पिक्चर है वही रहेगी। ठीक है, अब मैं करके देखता हूँ जी कंटेन। कंटेन क्या काम करती है, कंटेन हमारी पूरी पिक्चर को एडजस्ट उसने कर दिया। जो हमारी पिक्चर है ना बैकग्राउंड साइज का होती है कि ये आपकी पिक्चर को एडजस्ट कर देती है, तो आपको बैकग्राउंड पोजीशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड साइज ये काम करती है। मैंने यहाँ से इसे दोबारा कर देता हूँ रिमूव। ये दोबारा रिमूव करने के बाद मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। ये दोबारा अपनी असली हालत में आ चुकी है। एक और यूज होती है कवर। कवर क्या काम करती है ये देखिएगा। कवर हमारे पास पूरी जो वेब पेज है, मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल टैग में कि हमारी जो वेब पेज है वो 100% पे होती है, तो ये कवर है हमारी 100% को मुकम्मल कर लेता है। और जो हमने बैकग्राउंड पोजीशन लगाई हुई थी लेफ्ट वाली, तो ये लेफ्ट वाली को शो कर रहा है, थोड़ी बॉटम वाली को कर रहा है, थोड़ी टॉप वाली को कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड पोजीशन हमने लगाई लेफ्ट थी, टॉप बॉटम को नहीं कर रहा, सिर्फ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को कर रहा है, राइट को भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी बैकग्राउंड साइज। ठीक है, ये बैकग्राउंड साइज हमारे तरह इस तरह के काम करता है। ठीक है, बैकग्राउंड बात की जाए जी, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड रिपीट भी हो गया, बाय डिफॉल्ट, बाकी सारी तकरीबन मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे पास यूज में आती है, जो क्लाइंट आपको मांगते हैं, ये वो चीज़ें हैं, ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैंने आपको कलर का भी बता दिया था, बैकग्राउंड इमेज कलर, कलर आपको मैंने बता दिया था, कलर किस तरह काम करता है, रेडियल ग्रेडियंट आपको बताया था मैंने, रेड लगा के देखता हूँ, ये शो नहीं आ रहा क्योंकि हमने इमेज लगा, बैकग्राउंड इमेज के नीचे पीछे इमेज लगा तो वो छुप जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमने हाइट पर है, आज हमने बैकग्राउंड रिपीट कर रहा है, बैकग्राउंड पोजीशन पर रही है, बैकग्राउंड साइज पढ़ रही है, और वो हमने किसके थ्रू पढ़ी है, डिव के। डिव हमारे पास इस तरह काम करती है, और ये हमारे पास कॉल करने के लिए डॉट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, और हमने ये लिंक CSS की फाइल को लिंक करने के लिए HTML के अंदर लिंक का टैग लगाया और CSS को वो नेम दे दिया, तो हमारे पास लिंक फाइल हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज इस तरह काम करती है। मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।